आज की जो ये हमारी अगली कहानी है, ये अस्पतालों के बाहर हजारों लोग जो हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, जो कई कई दिन तक पड़े रहते हैं इस उम्मीद के अंदर कि शायद कल कुछ हमारा नंबर आ जाए, और या जिसके लिए हम सैकड़ों मील से चल कर आए हैं उसकी कुछ तकलीफ, उसका कुछ दर्द कम हो जाए। यही भीड़ आपको दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पर मिलेगी। सभी अस्पतालों के बाहर ये लोग पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो आज ये फ्रंट पेज पे इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी देखिए आप, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भोपाल की फ़ोटो है। ये बिल्डिंग आप देखिए, ये बिल्डिंग के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पर। ये सबका विकास सबका सत्यानाश, ये उसकी फोटो है, कूड़ा पड़ा हुआ है, एक भी डॉक्टर वहाँ पर नहीं आता है। और अभी कुछ दिन पहले ओपीडी चलती थी जिसमें कम से कम एक डॉक्टर रहता था जो कम से कम कुछ तो बता देता था, उसको भी उठा के उन्होंने बंद कर दिया है। भोपाल की जगह ये चलाते हैं आरएसएस के वर्कर एलके अडवाणी की आंखों के चिराग, भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने दुनिया भर के स्कैम किए, ये श्री शिवराज चौहान की शहर में ये हो रहा है। 15,000 मरीज मैंने सुना है वो इंतजार में है कि किस दिन ये दरवाजे खुलेंगे। अडवाणी के चिराग शिवराज चौहान और उनके दूसरे चिराग उनके दिल के एक आदमी है डॉक्टर नड्डा। पहले तो मैंने समझा ये शायद मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल मेडिकल कुछ नहीं है, वो उत्तरांचल का एक आरएसएस का वर्कर था, एमएलए शायद बना था, और उसको बिगर किसी मेडिकल की धेले की उसकी बैकग्राउंड नहीं है, उसको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का हेल्थ मिनिस्टर बनाया हुआ है। मैं ये बात एक्चुअली चाहता हूँ कि ये लोग इन लोगों के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ कि क्या होगा। तो होगा तो ये कि किससे बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये इस समय पता नहीं कौन अफ्रीका के किसी कंट्री में लगता है ये सलूट ले रहे हैं, और आप इनके लिए भारत से जो भारत माता की आवाज़ आ रही, मैं चाहता हूँ आप भी सुने इनकी। Thank you.
नरेंद्र मोदी के बाद एक गैर जिम्मेवार आदमी जिसका नाम है राहुल गांधी, वो 60 दिन से गायब था पहले, बिगर किसी को ये भी नहीं पता था कब आएगा वापस। क्योंकि जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये हफ्ते में एक बार लंदन ज़रूर जाता है, और ये जाता है वीकेंड पर जाता है और चल देता है। वो किससे मिलने जाता है वहाँ पे, मैंने मुझे नहीं मालूम, और ना मेरा ये कंसर्न है किससे मिलने जाता है। चुपके से जहाज़ में बैठ जाता है रात को लंदन में, पता नहीं क्या करता है, किस कमरे में सोता है, क्या करता है, और उसके बाद ये 24 घंटे के अंदर वापस आ जाता है। नरेंद्र मोदी को मालूम होगा ये क्या करने जाता है लंदन, लेकिन नरेंद्र मोदी भी जो है वो मन की बात जो है किसी को नहीं बताते। मन की बात वो उन बेवकूफ़ लोगों को समझाते हैं गांव के, जिनको वैसे कोई अकल नहीं है। मन की बात तो अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी नहीं है, ये आपके बीए पास नहीं कर पाए नेता राहुल गांधी। और एक बात हम आपको और बता दें, हम नहीं कहना चाहते थे, राहुल गांधी पहले नरकोटिक्स का एडिक्ट था, ये नशे का शिकार था, इसका इलाज काफ़ी हो चुका है, लेकिन एक बात उनको नहीं मालूम लोग आपको, कि जो आदमी नशा कर चुका होता है वो आदमी का दिमाग जो है इतना तेज़ नहीं चलता है, हालांकि वो चाहे वो नरकोटिक्स को लेना छोड़ दे। और जहाँ तक नरकोटिक्स की बात है, ये अमेरिका में पकड़ा गया था अपनी स्पेनिश गर्लफ्रेंड के साथ, इसकी जेब में नरकोटिक्स थी, और नरकोटिक्स के साथ अमेरिका की फेडरल पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसको जेल में बंद कर दिया। इनके साथ इनकी माँ चल रही हैं, इन्होंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी मैं तो बंद हो गया हूँ। मम्मी ने फ़ोन किया, उस समय ब्रजेश मिश्रा होते थे ये बात, जबकि मैं कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। ब्रजेश मिश्रा ने अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो स्पेशल सेक्रेटरी थी उनको फ़ोन किया, और बुश और वाजपेयी के बीच में बात हुई कि इस लड़के को आप छोड़ दीजिए, और ये छूट गया। ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत के लोग, हम लोग ये भी नहीं जानने की कोशिश करते ये कौन आदमी है, कौन क्या है। इस कहानी को मैं लेकर जो चला था वो इसलिए चला था, मैं आपको बताऊं, ये आदमी है इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर, आप इनकी शक्ल देखिए, इसको ये नहीं पता है, पता इनको सब कुछ है कि लाखों लोग हर साल मर रहे हैं, क्योंकि वो जो स्टेंट है हार्ट के अंदर जो लगाने के लिए चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी किलर हार्ट अटैक्स हैं, और उसके अंदर दबा के इस समय लूटपाट चल रही है, राम राज्य सबका विकास सबका साथ सबका फाते, जो स्टेंट मान लीजिए $1,000 की अमेरिका में है, तो हिंदुस्तान में उसको $7,000 उसका चार्ज किया जा रहा है। लाशें बनती हैं और शमशान में फूकती हैं, ये चले आ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई थी, आज 2017 में है, एक भी आदमी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक भी डॉक्टरों को पकड़ा नहीं गया है जो घूस लेते हैं, और कैसे जिसकी कीमत $1,000 है वो कैसे $7,000 का, जिसकी कीमत 66,000 है उसके लिए 5-5 लाख रुपए तक लिया जा रहा है। कारण एक है, किसी का दिल नहीं है हिंदुस्तान में, जिनका दिल है उसको स्टेंट चाहिए, और स्टेंट चलाने वालों की का ईमान नहीं है, मर रहे हैं लोग, क्योंकि हार्ट अटैक दुनिया का सबसे बड़ा किलर है। ये अभी एक देख पढ़ लीजिए, एक व्यक्ति का नाम है सारंग प्रकाश, ये आदमी ये क्वैक है, ये भी यही काम करता है, हार्ट के अंदर पता नहीं क्या लगाता है, इसको ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने पकड़ लिया।
अमेरिका में, इंडिया में तो बहुत घूम रहे हैं, ये क्वैक डॉक्टर है, इसको भी पकड़ा हुआ है। खैर, जब किसी चीज़ की हद हो जाती है, प्रधानमंत्री जी से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि नेडा को हटा दिया जाए, ये गंदगी जो पड़ी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर, उसको साफ करो, डॉक्टर लाओ। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की कहानी नहीं है, जरा जाओ। ये पाकिस्तान को हरा देने से, लड़ाई करने से कुछ नहीं, वो अलग एजेंडा है। क्या इसके अलावा इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अस्पताल सड़ते रहेंगे? आप पहले कम से कम एक हेल्थ मिनिस्टर को लाइए जिसके अंदर ये कॉम्पिटेंस हो, जिसके अंदर ये डेडिकेशन हो, जिसका पैशन हो कि वो हिंदुस्तान का हेल्थ सिस्टम ठीक करके रखेगा। भारत माता तुमको याद भी करती रहेगी, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा।